हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलम वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन वर्क्स में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एक गेट खड़ा हुआ है, एक दरवाजा खड़ा हुआ है जो कि 3x7 का दरवाजा है। इसकी चौड़ाई 3 फीट है और ऊंचाई जो 7 फीट है। दोस्तों, ये पाइप में बना हुआ है जो कि सिंगल फाटक डोर है। आज पूरी वीडियो में हम इस गेट के बारे में बात करने वाले हैं, इस गेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो इस गेट के ऊपर होने वाली। तो दोस्तों, आपको पूरी वीडियो देखनी है, कहीं से भी वीडियो को कट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो दोस्तों, वीडियो आपको पूरी वॉच करनी है, एंड तक वॉच करनी है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने जो गेट खड़ा हुआ है जो कि 3x7 में, और काफी यूनिक और काफी बढ़िया डिजाइन है। दोस्तों, आपको पसंद आ रही होगी, जो कि नीचे की साइड में आप देख सकते हैं फूल बना हुआ है, ऊपर की साइड में भी 2 फूल बने हैं कली टाइप में, जो कि काफी बढ़िया और काफी यूनिक डिजाइन आपको देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके पास से थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी जो ये फ्रेम बनी हुई है, ये पोन्डेड के पाइप में फ्रेम बनी हुई है जो काफी मजबूत आपको होती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो इसका पल्ला बना हुआ है, जो कि आपने यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, ये भी पोन्डेड का पाइप है। और पूरी फ्रेम में आपको ये 2x1 के पोन्डेड के पाइप में बनी हुई मिलती है। ऊपर के साइड में भी आप देख सकते हैं फ्रेम में जो हमने यहाँ पे सरिये लगाए हुए हैं, 6 mm के सरिये हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर की साइड में 6 सरिये लगाए हुए हैं। और ऊपर की साइड में भी आप देख सकते हैं जो ये हमने बेंड करके सरिये यहाँ पे लगाए हुए, काफी यूनिक और काफी अलग इसको डिजाइन देता है। ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख सकते हैं हमने पूरी पोन्डेड के पाइप में फ्रेम बने। और नीचे की साइड में आप देख सकते हैं जो हमने ये पत्ती लगाई हुई है यहाँ पे, 20 सिंह की पत्ती आपको एक मिलती है, जो कि इसको नीचे दबने के बाद में काफी मजबूती देती है। तो दोस्तों, आप पीछे की साइड में भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पीछे की साइड में इसकी 1 इंची 1 सूत की फ्रेम बनाई हुई एंगल की, जिसपे हमने पल्ला वेल्डिंग किया और काफी मजबूत इसको सपोर्ट देता है। पीछे की साइड में आप देख सकते हैं, और जिस दोस्तों हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके होल पास भी लगाए हुए हैं, बीच में, नीचे और ऊपर की साइड में भी होल पास लगाए हुए हैं, जो कि आपको दीवार में दबने के बाद काफी मजबूती देता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों साइड में हमने होल पास लगाए हुए, जो कि दीवार में दबने के बाद में इसको काफी मजबूती देता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी जो डिजाइन लगी हुई, डिजाइन कौन से सरिये में। दोस्तों, ये 6 mm चौकोर सरिया है, जो कि आपको यहाँ पे इसके चद्दर के साथ में वेल्डिंग किया हुआ है, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे फूल लगाए हुए हैं। ऊपर की साइड में एक बड़ा फूल लगा हुआ है, जो काफी इसको बढ़िया और काफी यूनिक इसको डिजाइन देता है। इस टाइप से यहाँ से बेंड होने के बाद में ये सरिया यहाँ पे नीचे की साइड में वेल्ड है, उसके साथ में यहाँ से सरिया बेंड करके यहाँ पे फूल लगाए गए हैं, जो कि बीच में एक पाइप दिया हुआ है जो 2x1 का पोन्डेड का पाइप है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो डिजाइन है। दोस्तों, बात कर लें इसकी चद्दर कितने गेज की। दोस्तों, आपको यहाँ पे चद्दर मिलती है 20 गेज की चद्दर, जो काफी मोटी और काफी यूनिक आपको मिल जाती है, काफी मजबूत। दोस्तों, अगर आप पेंट कर दोगे तो 20 साल तक आपको दरवाजे में देखने की जरूरत नहीं कि चद्दर सड़ती गलती है। दोस्तों, लोहा मात खाता है ओनली पानी से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लोहा मात खाता है बिल्कुल पानी से। आपको पानी से इसको बिल्कुल बचाना है, पेंट वगैरह आपको हर साल इस पे कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है आपको एक हेल्ड्राप, जो कि घड़ी हेल्ड्राप बोलते हैं इसको, इस टाइप में ये डिजाइन में रहता है, इसलिए इसको घड़ी हेल्ड्राप बोलते हैं। 5 सूत का आपको हेल्ड्राप मिलता है, काफी मोटा, और जो यहाँ पे होल करके वेल्डिंग से हमने इसको यहाँ पे अंदर दिया हुआ है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे मिलते हैं 20 सिंह का एक हैंडल, 20 सिंह की पत्ती में हैंडल बना है, जो काफी बड़े और काफी मजबूत है। दोस्तों, आपको नीचे की साइड में आप दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक बड़ा फूल मिलता है जो कि कुछ इस टाइप से डिजाइन में लगाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे इसका 6 mm सरिया ही है, जो कि चौकोर सरिया से बैंड करके हमने इसको डिजाइन दिया। ऊपर की साइड में यहाँ पे हमने एक फूल लगाया हुआ है, और साइड में भी फूल लगाया हुआ है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, काफी यूनिक और काफी ये बढ़िया डिजाइन है। और दोस्तों, ऊपर की साइड में हम बात कर लेते हैं, जो आपके यहाँ पे ये जाली लगी हुई है, MS की जाली है, जो काफी बढ़िया और काफी यूनिक की आपको ये बचाती है, धूल मिट्टी आने से, हवा वगैरह आ सकती है इसमें, धूल मिट्टी आराम से नहीं आएगी, तो ये आपको धूल मिट्टी वगैरह आने से बचा सकती है। दोस्तों, ये बात कर लेते हैं, सिंगल फटक दरवाजा है, और मैं आपको पीछे का भी इसका व्यू दिखा देता हूँ। आप पीछे का भी इसका व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने इसको पीछे की साइड में चद्दर वगैरह वेल्डिंग की हुई कंप्लीट। पीछे भी आपको हेल्ड्राप मिलता है, एक हैंडल मिलता है, और लॉक करने के लिए आपको वहाँ पे एक कुंडी मिलती है छोटी, जहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। अब दोस्तों, देख सकते हैं सिंगल फटक में हमने यहाँ पे 4 इंची कब्जे लगाए हुए हैं, ऊपर और बीच में, और 3 कब्जे दोस्तों इसमें आपको लगे हुए कम्प्लीट मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी मार्केट प्राइस के बारे में, कि इसका मार्केट प्राइस क्या है। तो दोस्तों, आपको ये मिल जाता है दरवाजा ओनली 3,500 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 3,550 रुपये में आपको ये दरवाजा पूरा कंप्लीट मिल जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 3,550 रुपये में आपको दरवाजा पूरा कंप्लीट। इतना सस्ता और इतना बढ़िया दरवाजा आपको कोई नहीं देगा दोस्तों, बिल्कुल ही कम प्राइस में है। दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसा दरवाजा बनवाना हो, या फिर आपके पास और कोई डिजाइन हो, तो आप नीचे मेरा आपको मेल आईडी, या फिर आप मुझसे
इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। जो भी आपको डिजाइन बनवानी है या फिर गेट बनवाना है, मेन गेट बनवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि ये साइज का दरवाजा या गेट हमको क्या रेट में पड़ेगा, क्या प्राइस में बनेगा। दोस्तों फर्क हो सकता है कि अगर आप कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या फिर कहीं और रहते हो तो वहाँ पे लोहे का भाव क्या है, हमारे यहाँ पे लोहे का भाव क्या है, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 65 रुपए किलो बनता है, तो आपके यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बने। दोस्तों ये इस गेट का मैं आपको वेट बता देता हूँ, इस गेट का वेट है 56.5 किलो। जी हाँ दोस्तों, 50 और 6, जी आपने बिल्कुल सही सुना, 56 किलो इसका वेट है, और इनटू आप 65 कर सकते हैं। जो भी इसका प्राइस होगा वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा जी, तो कुछ लगभग 350 के समथिंग में इसका एवरेज आएगा। अगर आपको कोई और भी डिजाइन बनवा तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो भी मेरे को इसमें दरवाजे को बनाने में मटेरियल यूज हुआ है, वो सब मैं जो यूज करता हूँ, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग कटर रोल, वो सब आपको यहाँ पे मिल सकती है। दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये सब जो मैं मशीनें वगैरह यूज करता हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैंने सब लिंक, जो भी मशीन वगैरह ग्राइंडिंग वगैरह यूज करता हूँ उसका लिंक मैंने सबको डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, या फिर आप वहां से खरीद सकते हैं, देख के यूज कर सकते हैं। अगर जो भी उसका प्राइस होगा वहां से आपको परचेस कर सकते हैं। मैं भी यूज करता हूं, अच्छे चलते हैं, और आपको चाहिए तो आप वहां से जरूर से खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यह है। अगर आपको और भी दरवाजे चाहिए, मेरे पास बहुत तरह के दरवाजे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं लाइन से बहुत सारे दरवाजे बने हुए, अलग अलग डिजाइन में बनाता रहता हूँ। तो अगर कोई अलग ही डिजाइन आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता हूँ। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।